दोस्तों मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि भाई सिटी वाला रास्ता में, टाउन वाला रास्ता में आप अपने गाड़ी को पूरा तरीका से सावधानी से और स्पीड जो है कंट्रोल करके चलें। देखो भाई अभी हाल फिलहाल का बात है कि मैं सिटी से गाड़ी अपना लेकर निकल रहा था और उस दौरान ये देखा दोस्तों कि भाई जब लेकर गाड़ी को अपना टाउन से बाहर निकल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ कि थोड़ा सा जाम लग गई, भीड़ लग गई। सिटी वाले रास्ते में ये होता है दोस्तों कि भाई काफी जाम मिलती है और बहुत ही सावधानी से गाड़ी लेकर निकलना भी पड़ता है सिटी से, कि देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। अभी चलो भाई इसको जाने दे देता हूँ, जाओ भाई। तो ये सब जो है ना सिटी में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये सब आपको पूरा तरीका से मैनेज करके चलना होगा, ठीक है। सभी को रास्ता देना है और रास्ता लेना भी है। दोस्तों मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि भाई सिटी वाला रास्ता में, टाउन वाला रास्ता में आप अपने गाड़ी को पूरा तरीका से सावधानी से और स्पीड जो है कंट्रोल करके चलें। देखो भाई अभी हाल फिलहाल का बात है कि मैं सिटी से गाड़ी अपना लेकर निकल रहा था और उस दौरान ये देखा दोस्तों कि भाई जब लेकर गाड़ी को अपना टाउन से बाहर निकल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ कि थोड़ा सा जाम लग गई, भीड़ लग गई, ठीक है। तो सामने एक गाड़ी लगी थी दोस्तों, वो भी कमर्शियल गाड़ी थी और मैंने ये देखा कि भाई एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी एक हाथ पे अपना साइकिल को धरा हुआ था और एक हाथ पे क्या किया भाई, सामने वाला जो गाड़ी था कमर्शियल गाड़ी उसका डाला को पकड़ के खड़ा था, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों, मैं उसको, उस बूढ़े को और वो गाड़ी को पूरा तरीका पे मैं फोकस कर रहा था कि भाई अगर गाड़ी वाला आगे बढ़ाता है तो हमें पूरा, हमें लग रहा था कि ये जो बूढ़ा है वो गिर जाएगा। और दोस्तों वही बात हुआ कि जैसे जाम खुला दोस्तों, भीड़ जो है आगे बढ़ने का कोशिश किया तो जो सामने जो हमारा जो गाड़ी था कमर्शियल वाला जो गाड़ी था दोस्तों, जो बूढ़ा जो है, बूढ़ा आदमी जो था एक हाथ पे जो गाड़ी को पकड़ गया था, तो हुआ ये दोस्तों कि सामने वाला गाड़ी जब आगे बढ़ाया तो वो बूढ़ा जो है वहीं पर गिर गया। तो खैर गिरने के बाद उसे किसी तरीका से चोट तो नहीं आई दोस्तों। तो वो मैं देखने के बाद ये समझ में आया दोस्तों कि ये जो चीज है मैं आप लोगों तक समझाने का मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप जब भी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, टाउन में ड्राइव कर रहे हैं, तो आप अपने गाड़ी को क्या करें कि भाई स्पीड पूरा तरीका से नियंत्रण में रखें और जब भी आप किसी जगह पर अगर भीड़ में फंसते हैं, ठीक है, टाउन में चल रहे तो कहीं ना कहीं आपको भीड़ नहीं मिलना है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आपका गाड़ी भीड़ में फंसती है तो आप ये करें कि जब भी आपको गाड़ी आगे बढ़ाना पड़े तो लेफ्ट और राइट जरूर ये कंफर्म कर ले भाई गाड़ी आगे बढ़ाने से कि भाई कोई हमारा गाड़ी पर सट के खड़ा तो नहीं है, या कह सकते हैं कोई मोटरसाइकिल वाला या फोर व्हीलर किसी तरीका से आपका गाड़ी का आजू बाजू लेफ्ट या राइट साइड कोई सटा हुआ तो नहीं है, वो कंफर्म कर ले। आपको कंपनी सभी गाड़ी में देता है साइड ग्लास, आपको पता होगा साइड ग्लास देता है भाई कि लेफ्ट साइड देखिए आप, राइट साइड देखिए, वो आप देख सकते हैं। जब भी आप गाड़ी बढ़ाए तो लेफ्ट और राइट साइड का जो ग्लास है वो देख करके कंफर्म कर ले भाई कि हमारा आजू बाजू में कोई आदमी, कह सकते हैं कि गाड़ी हुआ, मोटरसाइकिल, साइकिल, किसी तरीके का कोई आदमी तो सटा हुआ नहीं है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आप अपने गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को आप टाउन में जब भी चलें, छोटी छोटी बातों को आप जरूर ध्यान में रख के गाड़ी ड्राइव करें। इससे क्या होगा, देखो दोस्तों गलती किसी का भी रहे, आपको पता होगा बड़ा वाला गाड़ी का ही दोषी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ा वाला गाड़ी का ही दोषी पब्लिक ठहरा देता है, ये आपको पता होगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई बस आप अपना सेफ्टी खुद ही लेके चले भाई,
पूरा तरीका से सेफ्टी का ध्यान रख के गाड़ी ड्राइव करें, ठीक है, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ। और भाई बाजार भी हमें जाना है, तो ये छोटा सा ये जानकारी देना चाह रहा था कि भाई आप लोग अपना आराम से गाड़ी ड्राइव करें और खुद भी सेफ रहें और सामने वाला जो गाड़ी है, राहगीर है, जो भी है, वो भी सेफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नए वीडियो आपसे मिलते हैं।